हम तो गरीब लोग थे और जो हमारे मुलाजिम हैं वो हमारे से भी गवर्नमेंट ने यहाँ गरीब कर दिए। ऊपर वाली बिल्डिंग में कोई प्रणाला नहीं है, अगर ऊपर वाली बिल्डिंग आएगी तो नीचे आएगी, नीचे बैठा हुआ हमारा स्टाफ है और बीमार लोग बैठे हुए हैं। अगर वो लाश होगा हमारा गरीब लोगों का होगा, हमारे मरीज लोग मरेंगे, हमारा स्टाफ यहाँ मरेगा। 2007 में नीचे वाली बनी हुई है, 2012 में ऊपर वाली, तो ऊपर वाली भी अनकम्प्लीट पड़ी हुई है, ना उसके ऊपर सीढ़ियाँ जाने के लिए ऊपर वाली भी है ना नीचे वाली, तो ना इसमें अंदर कोई पानी की सुविधा है। पीएचई डिपार्टमेंट है जो कोठियों में पानी सप्लाई कर रहा है कागजों में, लेकिन इधर ना हॉस्पिटल में ना गाँव में किसी के घर भी पानी नहीं है। तो गटर जो है वो खुले पड़े हुए हैं, जब बारिश होती है तो ऊपर का जो रोड का पानी आता है नीचे ज़मीन का पूरा गटर के अंदर चला जाता है, पूरा गटर भर जाता है वो, तो पानी की सख्त किल्लत है। इधर हॉस्पिटल में परेशानी बहुत है, जो आज इधर नीचे मैडम जब ड्यूटी में होती हैं तो ये कहाँ जाएंगी बेचारी बाहर, ये तो सख्त परेशानी है तो लेडीज़ के लिए। जो बिल्डिंग है इसकी क्या हालत है? बिल्डिंग की तो देख लें आप, बुरी खस्ता हालत है इसकी, ये जो गिरने वाली है ऊपर वाली जो, तो ये किसने? हम अगर खुद अपनी बिल्डिंग बनाएंगे ना, इतना मकान बनाएंगे तो कम से कम हम 10 लाख में अपना मकान बनाते हैं, तो ये 20 लाख रुपया लगा हुआ है कब का, 2012 का, 2012 तो 2021 में 50-50 का फर्क है महंगाई में। आज तेल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, बजरी कहाँ है, सीमेंट कहाँ है, रेता कहाँ है, ईंट कहाँ है। जब मैंने मकान बनाया था 2007 में तो 2400 रुपया मैंने टिपर ईंट लगाई थी, आज 9000-10000 का 1000 टिपर मिलता है, ईंट 1000 मिलती है। तो अब क्या मानते हैं कि जो बिल्डिंग बनाई गई है ये पैसा? ये पैसा तो डिपार्टमेंट ने हड़प किया हुआ है, इसमें कुछ ठेकेदार तो कुछ मिल के, आपने देख लिया रोड का भी, ये भी देख लिया कितना पैसा लगा होगा इसमें। सुविधा कुछ भी, कुछ सुविधा नहीं है इधर, कोई बोलता नहीं है। हमारे लोग जो बहुत इधर सीधे साधे गरीब लोग हैं, ये कुछ कोई भी डिपार्टमेंट आएगा तो किसी के सामने बात नहीं करेंगे। मेरा नाम चंचल कुमारी है जी। हमें जब बारिश होती है हम आते हैं, ड्यूटी आते हैं, बैठते हैं, हमें इतनी परेशानी होती है कि कैसे बिल्डिंग ऊपर वाली नहीं गिर जाए, हम नीचे ही दब जाएंगे, तो बहुत परेशानी आती है। ऊपर पानी, पाइप ही नहीं लगी हुई, जो ऊपर वाला छत है उसको पाइप नहीं लगी है, पानी निकलने की कोई है नहीं है वहाँ। अच्छा, तो और क्या क्या फैसिलिटी नहीं है अंदर? टॉयलेट, बाथरूम नहीं है सर, बाथरूम है चाल ही नहीं रहे, गटर है जो खुले हुए मुंह पड़े हुए हैं, गटर उनको बंद करें, उनको ठीक करें, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो पानी? पानी नहीं है, पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की आ रही है। तो बिजली है? बिजली है, लाइट। तो अगर बाथरूम नहीं है तो फिर कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हैं, कहीं दूर जाना पड़ता है। तो पानी यहाँ से लोगों से भी? हाँ, गाँव से लाते हैं, किसी के मांग के लाते हैं, घर से लाते हैं किसी से पानी, डेली कहाँ से किससे मांगेंगे पानी, इधर लोगों को खुद पीने के लिए नहीं मिलता, हमें कहाँ से देंगे, डेली कोई देता है पानी? ये जो ऊपर की बिल्डिंग जो ऐसे पड़ी है, आपने इस बारे में हाई 30 से बात की? हाँ, BMO सर से की थी, उन्होंने भी इधर आके देखा, उन्होंने भी चेक किया था, वो बोल रहे थे हो जाएगा काम, अभी तक हुआ नहीं है। सर मोहम्मद शरीफ, पंचायत हल्का कोठिया से। सर जो सब सेंटर हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, 2007 में एक बिल्डिंग बनी और 2012 में दूसरी बिल्डिंग बनी। सर गांव तो पूरा कागजों में पानी चल रहा है, और उसको छोड़िए गरीब लोग, जो लोग जो है खच्चर घोड़े पे लाएंगे पानी, जो हमारा ये हॉस्पिटल है इसमें तो पानी बीमार को और स्टाफ को जो भी लोग हैं उनको ज़रूरी चाहिए। इसमें आप खुद जनाब देख लें, हमारी शिकायत वाली बात नहीं है, हमने इसीलिए आपके आगे अर्ज़ की थी मीडिया वालों के आइए हमारी प्रॉब्लम को यहाँ मौके पे देखिए, हल करना या ना करना वो हमारे मुतल्लिका DC साहब का काम है, वो हम उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे या हमारी बात सुनेंगे, आप उन तक पहुँचाएँगे। ऊपर वाली बिल्डिंग में कोई प्रणाला नहीं है, अगर ऊपर वाली बिल्डिंग आएगी तो नीचे आएगी, नीचे बैठा हुआ हमारा स्टाफ है और बीमार लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लाश होगा हमारा गरीब लोगों का होगा, हमारे मरीज लोग मरेंगे, हमारा स्टाफ यहाँ मरेगा। फिर हमारी लेडीज़ यहाँ, इनके लिए टॉयलेट नहीं है, हाँ सब माँ बहन वाले हैं, सब बच्चियों वाले हैं, ये ओपन में दूर जाके अपना जो छोटा बड़ा पेशाब है वो करती हैं, पानी ना होने की वजह से, टॉयलेट ना होने की वजह से। हम तो गरीब लोग थे और जो हमारे मुलाजिम हैं वो हमारे से भी गवर्नमेंट ने यहाँ गरीब कर दिए, उनको मजबूरी है क्योंकि उन्होंने डिप्टी जो हाँ लगाएगी गवर्नमेंट, वहाँ तो उन्होंने जाना है। ये जो ऊपर की दूसरी बिल्डिंग बनाई है, क्या लगता है कि ये बिल्डिंग अब गिरने की कगार पर है, क्योंकि इस पर ना ही तो ऊपर पाइप लगी हुई है ताकि पानी नीचे तक आए और पानी जमा रहता है ऊपर? वो तो मैडम साहब भी बोलती है, पूरे गाँव लोग वाले लोगों ने बोला, 1 महीना बारिश होगी 2 महीने पानी रुका रहता है, अगर इतना पानी रुकने से पूरा लेंटर जो है वो चला जाएगा, वो लेंटर गिरेगा तो कहाँ जाएगा, वो तो नीचे ही आएगा।
अब क्या डिमांड क्या है? हमारी यही डिमांड है कि इसका कोई ना कोई हल किया जाए, हमारे डीसी साहब तक आप ये बात हमारी पहुंचाई जाए, हमारा यहाँ स्टाफ और यहाँ के गरीब लोग जो बीमार हैं उनका यहाँ लॉस हो जाएगा। अगर हो जाए हल तो ठीक, नहीं तो इसको बंद किया जाए। सिंह नायब सरपंच कोठिया। यहाँ सर ऐसा है कि यहाँ बहुत ही खस्ता हाली है इस हॉस्पिटल की। यहाँ पानी जो है, पानी देखिए हॉस्पिटल के अंदर पानी बाथरूम में भी चाहिए, स्टाफ को भी दिन में चाहिए। तो यहाँ ये लोग पानी मांग के लाते हैं घरों से, तो यहाँ पानी की बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। जबकि कोठियाँ पंचायत में पानी आज से 20 साल पहले यहाँ पानी कागजों में मतलब कि चालू है। तो इसलिए क्या है कि मैं तो बार बार डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब अगर खुद यहाँ आएँ हमारे भोले भाले गरीब लोगों की कुछ तो बात सुने।